वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अब मैंने वैसे तो आपको बता दिए थे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन बीच में से वो किसी भी तरीके से पैराग्राफ दे देते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी कैपी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर कैपी स्ट्रॉन्ग हो तो आप बड़ी ईजी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो कि आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह करे इसमें से ही आ जाए। मैं आपको इंपॉर्टेंट निशान लगा देता हूँ, ठीक है? आप देखते जाएँ, ये से ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक। पहले से काम ही आती है। उसके बाद यहाँ से आपने ये करनी है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगा, अल्लाह करे पेपर इसमें से आपका आ जाए इसी तरीके से। इसमें से ज़्यादातर यही चीज़ें आती रहती हैं। ठीक, पहले में से काम ही आता होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो होते हैं, अच्छा दूसरे में पहले आपके पास है, ये यहाँ से पैराग्राफ है, ठीक है, और यहाँ तक आप निशान लगाना, इसलिए याद कर लेना। उसके बाद इसमें आता है एक ये पैराग्राफ है, याद है, ठीक है, वाजिया आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद ये दिस इज़ द लैंड, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक। उसके बाद इसमें जो एक पैराग्राफ आता है वो है, देखिए लास्ट स्प्रिंग वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ पर आपके पास है पैराग्राफ, किधर है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने करना, ठीक है। उसके बाद एक ये पैराग्राफ आपका यहाँ से जहाँ तक, ये देख रहे हैं कहाँ तक निशान लगाया, इस तार में यहाँ से लगाया, ठीक है। जी इसमें जो मेरे पास ज़्यादा पैराग्राफ आता होता है वो है पहला ये वाले लाइन यहाँ तक, और ठीक है याद हो। फोर में जो है वो आपका पहला पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, पहला पैराग्राफ, और ये यहाँ तक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने शुरू से निशान लगाया कहाँ तक वर्डिंग है, आप इजी इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्वेप्ट और यहाँ तक, ठीक, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास आता है इसमें
एक पैराग्राफ आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो एक लास्ट में से आपने करना है ये, यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक। बहुत ईजी है, मुश्किल कोई भी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, उसकी एक दफ़ा ट्रांसलेशन पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे आ जाए, द पीस ऑफ स्ट्रिंग में आपके पास जो पैराग्राफ आता है, एक ये हेयर बाय वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और तो उसके बाद आपके पास एक लास्ट लाइन आती है, ये वाली, ये आपने कर, ठीक। सातवें में से, छठे में से आपको कोई भी ट्रांसलेशन नहीं आती। आते हैं आप आठवें में, सातवें में लेसन में, सातवें में पहला पहला वाला लाइन, ठीक है, और ये आपकी यहाँ तक है, ठीक। और इसके बाद है यहाँ पर आपके पास आएगा ये, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे आगे, इम्पोर्टेंट ही पैराग्राफ है जिसमें से ये सवाल आ जाते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। ये आपने करना है वन फाइनली, ठीक है, वन फाइनली से लास्ट ये अगेन तक, ठीक। ये भी हो गया आपका। अभी चैप्टर नंबर आपका एट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर एट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो पैराग्राफ आपका ज़्यादातर आता है वो ये वाला आता है, यानी ये सारा करना आप लोगों ने, सारा पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसमें से ये वाला पैराग्राफ आता होता है। नॉवेल से भी कोई इतना ख़ास नहीं आता, ये पहले वाला ही है जो आप कर रहे हैं इसको, बस यहाँ तक, ठीक। दसवीं की ट्रांसलेशन भी इतनी नहीं आती, और ग्यारहवें में आपका पहला पैराग्राफ है ये वाला से यहाँ तक, ठीक, इसमें से ये पैराग्राफ आता है। अब आता है बारहवें का, बारहवें का ये पहला पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद एक ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला भी करना आप, ये सारे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ, ठीक, ये पहला। वैसे ये जो आपका चैप्टर ही बहुत आसान है, अगर आप उसको सलाह करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से कोई पैराग्राफ उठा के दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, बारहवें में पहले आपके पास है पहला, वो यहाँ तक है, ठीक। उसके बाद इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में ये इम्पोर्टेंट, तो ये पैराग्राफ है जिसमें से आप ट्रांसलेशन आ जाएगी। जैसे तो चैप्टर बताया था कर रहे तो ज़्यादा सही था, इसमें से पहला, ठीक। बस 15 में से तो आपको आना नहीं है, ठीक है, जो मैं बता दी है। कोशिश करें कि कहानी आपको पता हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा जी, पोइम के क्वेश्चन आंसर की तरफ आप कह रहे थे, तो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर। ये जी आ जाए, तीसरा करना आप लोगों ने, ठीक।
ठीक है, ये 5 वाला भी करना है और ये 8 वाला भी करना है, ठीक है। सिंपल बहुत है, इसमें आसान कोई नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है इसमें। ये वाला भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। और ये देखें अच्छी तरह से देख लें, नाइट वेज पे आ गए। नाइट वेज में आप लोगों ने ये पहला सवाल करना है, ठीक है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, बस थीम आप लोगों ने सबके याद करने हैं। और इसमें आप लोगों ने नौवा वाला भी करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई है नहीं। ग्यारहवा भी करना है और बारहवा भी करना है, बस। तीसरे पे आ जाए जी, तीसरे पे ज़्यादातर आपने थीम ही करना है। इसमें ये सवाल है आपका ग्यारहवा, ठीक है, ये करना है बस आप लोगों ने। और इधर आ जाए, और ये 16 करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ना क्या थीम लिख लेना, यानी कॉन्टेस्ट हो गए। आगे आ जाए फोर्थ पे, देखिए जी फोर्थ में हमारे पास क्या आ रहा है। ये तो जी फोर्थ में मेरे पास पहला है, ये दूसरा करना आप लोगों ने, दूसरे के बाद आप लोगों ने फोर करना है, फाइव भी करना है और एट भी करना है। ये जो सवाल आए ना मैं आपको वही बता दूँ, ठीक। अच्छा जी, इसमें से आप लोगों ने सिर्फ ये एक वाला सवाल करना है, ठीक है, ये दूसरा सवाल भी करना है और ये नौवां भी करना है और ये दसवां भी करना है, बस। सिंधी मोमेंट में आ जाए, पहला सवाल देखिए बड़े सिंपल आए हुए, पॉइंट के अंदर से आए हैं, अगर आपने याद कर लिया तो उसमें से हो जाएगा। ये करना आप लोगों ने बस। टाइम्स पे आ जाए, टाइम्स पे आप लोगों ने इसका सिर्फ इतने ज़्यादा नहीं है, ये पहला और ये सातवां और आठवां करना है बस। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8 में दूसरा और दसवां और ग्यारहवां करना बस। नौवें में पहला सवाल, दूसरा भी करना आप लोगों ने और ये 4 भी कर लें और ये 5 भी करना आप लोगों ने, ठीक। और ये लास्ट वाला भी करना है, थीम बस आपने कॉन्टेक्स्ट ही लिखना है उसमें, कोई नई बात नहीं। और दसवें में आपके पास क्या था, ये जी तीसरा, 4 और ये जी नौवा वाला भी करना आप लोगों ने। वैसे तो इसके अपने पॉइंट्स याद की होंगी, बस ये 10 तक कर लेंगे आपका हो जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ में आए तो आप उसमें कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, ताकि जो है ना आपको जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चन के नंबर आपको मिल जाएंगे, चाहे आपने इतने लिखे हों तो वो नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो टाइम को ज़ाया कि वैसे पढ़ ले। और अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका उनकी आपकी वजह से उनका भी जो है भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।